दोस्तों, अगर आपको भी भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का 43वां रोमांचक और सांस रोक देने वाला मैच पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 43वें और एक रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने राशिद खान की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका अफगानिस्तान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा विराट कोहली मैदान पर आए। भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दोनों बल्लेबाजों ने टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने की कोशिश की, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में फजल हक फारूकी के सामने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन अगले ही ओवर में फजल हक फारूकी ने कप्तान रोहित शर्मा को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस बीच रोहित शर्मा 13 गेंद पर मात्र 8 रन बना पाए। ऐसे में कप्तान का विकेट जाने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज ऋषभ पंत का मैदान पर आगमन हुआ, जिन्होंने आते पहले गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। वहीं विराट कोहली ने 5 ओवर में नवीन उल हक के सामने इस मैच का पहला छक्का लगाया। दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में मोहम्मद नबी के सामने चौकों की हैट्रिक लगा दी, जिसके चलते पावर प्ले में 47 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। लेकिन इस बीच 7 ओवर में राशिद खान ने ऋषभ पंत को LBW आउट कर दिया और इस बीच ऋषभ पंत 11 गेंद पर 20 रन बना पाए, जिसके बाद अब T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और दूसरी तरफ से विराट कोहली भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। 9 ओवर में राशिद खान के सामने मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट हो गए और इस बीच विराट कोहली 24 गेंद पर 24 रन बना पाए, इसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आए। ऐसे में अब शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर टीम को संभालने का पूरा प्रयास किया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 9 ओवर में विकेट गिरने के तुरंत बाद चौका लगाया। शिवम दुबे ने नूर अहमद के सामने 10 ओवर में लंबा छक्का लगाया और इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 11 में राशिद खान को एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन राशिद खान ने पलटवार करते हुए सूर्य कुमार यादव की जगह पर शिवम दुबे को अपना निशाना बनाते हुए LBW आउट कर दिया। इस बीच शिवम दुबे 7 गेंद पर 10 रन बना पाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने 12 ओवर में चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 13 ओवर में 2 चौके लगाकर भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं 15 ओवर में अजमतुल्ला के सामने सूर्य कुमार यादव ने सामने की तरफ लंबा छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया, तो दूसरी तरफ से 16 ओवर में नूर अहमद के सामने हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। लेकिन इस बीच 17 ओवर में फजल हक फारूकी के सामने सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंद पर अपना अर्धशतक छक्के और चौके के साथ पूरा किया। इसके बाद पूरा ड्रेसिंग रूम सूर्य कुमार यादव की पारी की खड़े होकर तालियों से सराहना करने लगा। लेकिन इस बीच अगली ही गेंद पर फजल हक फारूकी ने सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कराया और इस बीच सूर्य कुमार यादव 28 गेंद पर 53 रन बना पाए, जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने 18 ओवर में नवीन को लंबा छक्का लगाया, इसके तुरंत बाद अपना विकेट अजमतुल्ला के हाथों कैच आउट होकर दे दिया। इस बीच हार्दिक पांड्या ने 24 गेंद पर 32 रन बनाए और इसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए। वहीं रविंद्र जडेजा 5 गेंद पर 7 रन बनाकर 19 ओवर में फजल हक फारूकी के सामने गुलबदन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गया और अब बल्लेबाजी करने अर्शदीप सिंह को बुलाया गया। दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में 2 चौके लगाकर नवीन के द्वारा रन आउट होकर अंतिम गेंद पर अपना विकेट दे दिया, जहां पर अक्षर पटेल 6 गेंद पर 12 रन बना पाए। दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह 2 रन बना पाए, तो इस बीच फजल हक फारूकी राशिद खान को 3-3 विकेट मिले। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जाजई मैदान पर उतरे। इस बीच पहले ही ओवर में रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक छक्का और एक चौका लगाकर हर्षदीप सिंह को निशाने पर लिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया और इस बीच रहमतुल्लाह गुरबाज 8 गेंद पर 11 रन बना पाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने इब्राहिम जादरान आए, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 4 ओवर में अक्षर पटेल के सामने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए और इस बीच इब्राहिम ने 11 गेंद पर मात्र 8 रन का योगदान दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गुलबदन आए। तो दूसरी तरफ से 5 ओवर में हजरतुल्लाह जाजई को 4 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद जडेजा के हाथों जसप्रीत बुमराह ने कैच आउट कराया, जिसके बाद अजमतुल्लाह बल्लेबाजी करने आए। इस बीच पावर प्ले में 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान की टीम ने बना दिए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने टीम को आगे ले जाने का काम किया और छक्के चौकों की बारिश की, लेकिन इस बीच 11 ओवर में कुलदीप यादव ने गुलबदन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच उन्होंने 21 गेंद पर 17 रन का योगदान दिया, इसके बाद बल्लेबाजी करने नजीबुल्लाह आए। दूसरी तरफ से अजमतुल्लाह को रविंद्र जडेजा ने 12 ओवर में अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच उन्होंने 20 गेंद पर 26 रन का योगदान दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नबी आए। दूसरी तरफ से 16 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नजीबुल्लाह को हर्षदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया और इस बीच
नजीबुल्ला ने 17 गेंद पर 19 रन बना दिए, जिसके बाद कप्तान राशिद खान मैदान पर आए। दूसरी तरफ से मोहम्मद नबी 14 गेंद पर 14 रन बनाकर कुलदीप यादव के द्वारा जडेजा के हाथों 17 ओवर में कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नूर अहमद आए। तो दूसरी तरफ से दोस्तों राशिद खान 6 गेंद पर 2 रन बनाकर 19 ओवर में हर्षदीप सिंह के द्वारा जडेजा के हाथों हुई, और अब बल्लेबाजी करने के लिए नवीन उल हक आए, जो पहली ही गेंद पर विकेट कीपर के हाथों इसी ओवर में कैच आउट हुए। और अब अंतिम बल्लेबाज फजल अकबर की आए, तो दूसरी तरफ से नूर अहमद ने अंतिम गेंद पर 18 गेंद पर 12 रन बनाकर हर्षदीप सिंह के सामने रोहित शर्मा के हाथों में अपना कैच दे दिया। फजल अकबर ने 4 रन बनाए और इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच को 47 रन से हार गई, जहां पर जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह ने 3-3 विकेट लिए और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। इसके अलावा अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में जहां सूर्य कुमार यादव ने भारत की इज्जत बचाई, तो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के बदौलत भारतीय टीम मैच जीत पाई है। तारीफ करनी होगी मैन ऑफ द मैच रहे सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने 28 गेंद में ही 53 रन की पारी भारतीय टीम के लिए उस समय खेली जब भारतीय टीम इस मैच में हार की तरफ जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, और इस सांस रोक देने वाले मैच को भारत की तरफ पलट कर रख दिया। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार ने पांड्या के साथ मिलकर एक अहम साझेदारी निभाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम अफगानिस्तान की टीम को 180 रनों का लक्ष्य दे पाई थी। अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की, तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने ही तो इस वर्ल्ड कप में कमाल ही कर दिया है। इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 4 ओवर में सिर्फ 7 रन और 3 विकेट अपने नाम किए, जिसकी वजह से भारतीय टीम आसानी से यह मैच जीत पाई है और अब अपने ग्रुप में नंबर 1 बनी हुई है। उनका नेट रन रेट भी 2 पॉइंट के साथ +2.35 हो गया है। यह 48 रन की जीत भारतीय टीम को सेमीफाइनल के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगी और अब भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, जहां पर भारतीय टीम दोनों ही मैच जीतकर अपने ग्रुप में टॉप पर बनना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह के इतने घातक प्रदर्शन को 10 में से इतने नंबर देना चाहेंगे? दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या के साथ भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर जीता सभी का दिल। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छुलेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा है, तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, राशिद खान में कौन है महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर एट राउंड का रोमांचक मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर 181 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 53 और हार्दिक पांड्या ने 32 रन का योगदान दिया, तो फजल अकबर की और राशिद खान दोनों ने 3-3 विकेट लिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही अफगानिस्तान की टीम मैदान पर आई, तो अफगानिस्तान की टीम के 71 रन पर 11 ओवर में 5 विकेट गिर गए, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम इस मैच को हार गई। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को बताया है कि हमारी टीम के खिलाड़ी किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए किसी भी टीम को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि इस मैच के अंदर अफगानिस्तान की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था, लेकिन हमारी टीम के खिलाफ उनका जीत दर्ज करने वाला प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान की टीम आने वाले मैच में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% देकर टीम को मजबूती दिलाने का काम किया है, उसकी मैं तारीफ करता हूं। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों के साथ मिलकर इस टीम को जीत दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से मैं और विराट कोहली ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए और ना ही आज ऋषभ पंत ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद में जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की स्थिति को
समझकर काउंटर अटैक करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। साथ में भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से अंत में तूफानी पारी खेलते हुए टीम को मजबूत लक्ष्य तक ले जाने का काम किया, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में भारत अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह ने बाकी गेंदबाजों से मिलकर जो शानदार गेंदबाजी की है उसी के चलते आज भारत को जीत मिली है। ऐसे मेरा मानना है कि आज भारतीय टीम के बेहतर प्रदर्शन और शानदार जीत के असली हीरो सभी खिलाड़ी रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के बाद हार्दिक पांड्या ने दिया बड़ा बयान। कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या का बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ियों को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छुलेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद हार्दिक पांड्या ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच बारबाडोस के मैदान पर सुपर 8 राउंड का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 181 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर के अंदर 134 रन पर ऑल आउट हो गई। जहां पर इस मैच में भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 53, हार्दिक पांड्या ने 32 रन का योगदान दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह और अर्षदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। वहीं अफगानिस्तान की टीम की तरफ से अजमतुल्ला ने सर्वाधिक 26 रन की पारी खेली। वहीं फजल अकबर की और राशिद खान ने 3-3 विकेट लिए। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम को 47 रन से मिली हार के बाद भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। आज हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके दिखाई है, जिसके चलते हमारी टीम को शानदार जीत मिल गई है और इस मैच में हमारी टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने खराब प्रदर्शन किया हो, बल्कि हमारी टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया और बचा हुआ काम भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कर दिया। आज के दिन हमारी टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने तो सबसे पहले बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, वहीं गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी की है उसी के कारण आज के दिन अफगानिस्तान की टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम इस रोमांचक मैच को आसानी से जीत गई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि एक समय पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा खराब तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव ने एक तरफ से टीम को संभालकर बड़े स्कोर तक ले जाने का काम किया उसी के चलते भारतीय टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई और अफगानिस्तान की टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को पूरे तरीके से परेशान किया और जब जब टीम को विकेट की आवश्यकता पड़ी तो जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाज भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन भारतीय टीम के कप्तान ने किया है। हालांकि उन्होंने अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया उसी के चलते आज के दिन भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।